सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कहते हैं कि एक गलतफहमी अच्छे अच्छे रिश्ते को भी तोड़ देती है, लेकिन वह रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो एक गलतफहमी से ही टूट जाए। जिन लोगों को दूसरों की कुछ ज्यादा फिक्र होती है ना, वो खुद इस दुनिया में अकेले रह जाती हैं। कभी खुशियाँ कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये जिंदगी की सड़क है दोस्तों, धीरे धीरे ही पार होगी। आज का पंचांग 21 अगस्त 2022 दिन रविवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रात्रि 3:36 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र सुबह 7:41 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:15 से 6:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर शाम 6:09 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 21 अगस्त 2022 दिन रविवार, आप आज थोड़ी से गंभीर मानसिक स्थिति में रहेंगे। आपको आज जीवन के व्यवहारिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा, लेकिन आप विश्वास और आशावादिता से भरपूर हैं और गहरे भावनात्मक स्तर पर भी मौके लेने के लिए तैयार हैं। आपका कोई करीबी आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए अपनी चिंता जाहिर करेगा, उन्हें अपनी स्थिति समझाने के लिए समय निकालें। अभी सच्ची खुशी आपको धोखा दे सकती है। आप अलग और अनियंत्रित महसूस कर सकते हैं, यह भावना अस्थायी है क्योंकि कोई नई शुरुआत आपके रास्ते पर है। इस बीच आत्मनिर्भर होने के लिए इस समय का प्रयोग करें। मार्गदर्शन के लिए बुजुर्ग अपने सपनों और आध्यात्मिकता की मदद लें। आज आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों का संपूर्ण अर्थ और दिशा बदल सकती है। लोगों को आप बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। आपकी यही विशेषता आपको सफलता दिलाएगी। जब तक आप किनारे को छोड़कर नहीं जाएंगे, तब तक आप समुद्र पार नहीं कर सकती। आज का कोई स्रोत बढ़ने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। प्रॉपर्टी अथवा किसी बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। युवा वर्ग भी अपने भविष्य को लेकर ज्यादा फोकस रहेंगे। अचानक प्राप्त हुए अवसर के बारे में विचार करके आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार का निर्णय लेते समय भविष्य के बारे में सोचकर आगे बढ़ना होगा। परिवार के व्यक्ति से प्राप्त हो रही साथ के कारण कठिन निर्णय लेना संभव हो सकता है। काम की जगह आ रहे बदलाव के कारण समझौता करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप से संबंधित बातों को ठीक से समझने की कोशिश करें। बीपी संबंधित समस्या भी हो सकती है। व्यवसायिक संदर्भ में आशावादी दृष्टिकोण के साथ कार्यस्थल पर आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे। आप अपने व्यवहार में अत्यधिक सफल होंगे और ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध बनाएंगे। आप अपनी योग्यता को साबित करने के लिए बेहतर अवसरों का लाभ उठाएंगे। आपको अपने गुप्त शत्रुओं द्वारा बनाई गई कुछ छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों के साथ व्यवहार करते समय आपको सावधान रहना चाहिए और उनका विरोध करने से बचें। व्यवसायिक संदर्भ में कुछ नवीन परिवर्तन भी हो सकते हैं। व्यवसायियों को नए रुझान और रास्ते मिलेंगे जो उनकी नकदी में वृद्धि करेंगे। आज आपकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत होगी और आपको धन संबंधित मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपकी बचत से आपके परिवार लाभकारी साबित होगी। आपके प्रयास सफल होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप एक नई साझेदारी या एसोसिएशन में प्रवेश कर सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप कुछ महत्वपूर्ण कनेक्शन स्थापित कर पाएंगी। सावधानियां, दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां आ सकती है। धीरे धीरे सब व्यवस्थित होता जाएगा, परंतु जल्दबाजी तथा भावुकता में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें।
इसकी वजह से बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से तनाव रह सकता है। इसका नकारात्मक प्रभाव घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है। प्रेम संबंध गहरा होगा। स्वस्थ आचार विचार और व्यवहार रूपी स्वस्थ सीमाएं आपके लिए आवश्यक हो गए हैं, लेकिन उनकी हदबंदी करना आपके लिए मुश्किल हो गया है। आपको अपने साथी के साथ बैठकर अपने संबंधों के विभिन्न आयामों के बारे में बात करनी चाहिए, जिस कारण आप इतना असहज महसूस कर रहे हैं। आज का दिन आदर्श रूप से इस कार्य के लिए अनुकूल है, क्योंकि आपका साथी आपके विचारों को सुनेगा और खुलकर आपसे बात करने को राजी होगा। अगर कोई नई शुरुआत करनी है तो आज का दिन बेहतरीन है। फिर वो बात चाहे नए रिश्ते की हो या नए व्यवसाय की। साथी के साथ बनाई भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो परफेक्ट पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है। अपने साथी से मिलने की लालसा आज आपको उसके लिए कुछ खास करने के लिए प्रेरित करेगी। आपका प्रेमी आपसे केवल आपका ध्यान और समय चाहता है, इसलिए एक गुलाब का एक फूल भी आपके प्यार को प्रभावित कर सकता है। नए रिश्ते में थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ें। धन संबंधी समस्याएं भी आपकी राह में आ सकती हैं। बात करते हैं करियर की। आज किसी नए रिश्ते या कार्य की शुरुआत हो सकती है, जिससे आपको पहचान मिलेगी। समृद्धि पाने की मजबूत इच्छा से आप बेचैन महसूस करेंगे। अपने आत्म मूल्यों को समझते हुए जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए आगे बढ़ें। सफल होने से पहले जीवन जीने का सही और नया तरीका जानें। आज नए व्यापारिक गठबंधन बनाने के लिए विदेशी कनेक्शन का लाभ उठाएं। वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन की संभावना है, हालांकि यह बदलाव सकारात्मक है और समृद्धि या विकास का प्रतीक है। लोगों से मिलना जुलना आपके संबंधों को निखारेगा। हमारी किस्मत को बनाना सितारों के बस की बात नहीं है, बल्कि हमारे ही हाथों में है। आज अपने कार्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा रुकने की जरूरत है, एवं आपको कुछ समय निकालने की भी जरूरत है, ताकि आप अपने अतीत के अनुभवों पर विचार कर सकें। आप अपने अतीत का मूल्यांकन करें कि किस चीज को आपको बदलने की जरूरत है और किस चीज को ग्रहण करने की जरूरत है, ताकि आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकें। आपको अपनी खुद की क्षमताओं से न्याय करने की भी आवश्यकता होगी कि आपको उसी राह पर चलना है जिस पर आप लंबे समय से चल रहे थे। कारोबार में कुछ व्यवधान आएंगे, परंतु सहकर्मियों का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। अपने महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज संभाल कर रखें। साथ ही व्यवसाय संबंधित किसी भी यात्रा को भी स्थगित रखें, क्योंकि नुकसान होने की स्थिति बन रही है। बात करते हैं सेहत की। आप अपने किसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य की किसी एक पहलू पर पिछले कई दिनों से कोई फैसला नहीं ले पा रही। आज स्पष्ट रूप से सोचकर फैसला लेने का दिन है। आपने अस्वीकार का जो सुरक्षा कवच ओढ़ा हुआ है, वो आज टूट जाएगा और आपको अपनी स्वास्थ्य के बारे में सच्चाई का सामना करना होगा। यह आपकी सेहत की बेहतरी के लिए पहला कदम होगा, क्योंकि अब आप सच्चाई से भागने की बजाय उसे देखकर और समझकर जरूरी कदम उठा पाएंगे। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। व्यायाम करना अच्छा रहेगा। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।